आपको बताया था कि मैं किसी से मिलवाने, मेरा मेन टॉपिक यही रहता है वुमेन्स के ऊपर। अगर बाल अपना बैनर लगाते हुए कुछ गाइस, मैं हूं आज जरा भाई नीति शिवकर्ण से सभी के और आज मैं एफएम लाइव 90.8। नमस्कार आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे रबैनी, ऋषभ अग्रवाल प्रिंस अलीगढ़ और लेकर आ गया हूं आपका अपना जो कड़क मॉर्निंग ऑन योर एफएम लाइव 90.8। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? भाई बरसात तो हो रही है, साथ में धूप भी बड़ी तगड़ी पड़ रही है मुझे मालूम है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी से मिलवाने वाला हूँ और ला रहा हूँ मैं उनको लेके जिनसे मैं मिलवाने वाला हूँ। वो एक पेंटर हैं, एक ब्लॉगर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और बहुत कुछ हैं अलीगढ़ के। शो चल रहा है कौन सा कड़क मॉर्निंग ऑन योर एफएम लाइव 90.8 पर। मैं हूँ आरजे रबैनी, ऋषभ अग्रवाल प्रिंस अलीगढ़ी। और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में कौन भाई? आज है हमारे साथ सैम। चलिए तो जानते हैं इनसे कि कौन है ये और क्या करते हैं। तो मैं हूँ सैम और मैं बनाता हूँ बहुत सारी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट और काफ़ी सारी एग्जीबिशन लगा चुका हूँ। मेरा मेन टॉपिक जो होता है वो वुमेन्स के ऊपर होता है। हमारी लाइफ में वुमेन्स एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो मेरा मेन टॉपिक यही रहता है वुमेन्स के ऊपर। तो आप देखिए ज़रूर सैम खान आर्ट, आप चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, किसी पर भी। भाई सैम से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज, क्योंकि ये है स्टूडियो में मौजूद। फिलहाल वक्त तो चला एक प्यारे से गाने का और सुन रहे हैं। उन गाने के बाद आते हैं लौट के सैम के साथ और आज का मसाला लेके आपके लिए। तो सुनते रहिए एफएम लाइव 90.8 और एफएम योर वॉइस। तो सैम बताइए कि और क्या क्या करते हैं आप? हाँ, साथ में पेंटिंग बनाता ही हूँ, प्लस दिल्ली हाट है दिल्ली में, वहाँ पे कभी कभी जाता हूँ और अपने शो वो करता हूँ, एग्जीबिट करता हूँ और काफी लोग आते हैं वहाँ पर हर टाइप के, और फॉरनर्स भी काफी आते हैं वहाँ पर। तो काफी मतलब प्रोत्साहन मिलता है जब वहाँ पर अपनी एग्जीबिशन लगाता हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो इस चीज को प्यार करते हैं, लव करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो भाई सैम से बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम, लेकिन अभी वक्त तो चला है मीत ब्रदर्स का एक और प्यारा सा सॉन्ग सुनने का। तो अब हम सैम से जानना चाहेंगे कि सैम आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब किस तरह से अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई, कहाँ से स्टडी स्टार्ट की आपने? मेरे फादर एक्चुअली आर्मी में हैं, तो एक जगह कभी मैं रुका नहीं तो मैंने जगह जगह से अपनी स्टडीज की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आर्ट फील्ड में जाना कैसे हुआ? आर्ट फील्ड मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है। जब मैं छोटा था तो मतलब सिक्स क्लास में था, तो मेरे पास इलेवन ट्वेल्थ क्लास के बच्चे आते थे कि हमारे प्रोजेक्ट है, हमारे लिए पेंटिंग्स बना दीजिए, ये काम कर दीजिए। तो मैं बड़े दिल से काम करता था और जब मेरी एक स्केच बुक थी उस टाइम, तो उसे देखने के लिए बच्चे आते थे कि अरे सैम भाई दिखाइए दिखाइए अपनी ड्राइंग्स। तो मैं दिखा दिखा करके मतलब काफ़ी इतनी हालत हो गई इस ड्राइंग बुक की कि वो फट सी गई है जी। तो इस चीज से मुझे काफी उत्साह मिला और लाइफ में आगे बढ़ने का कि मैं एक कलाकार ही बनूं आगे चल के। तो मैंने उस चीज को आज तक छोड़ा नहीं, तो बचपन से लेकर अब तक बस मैं बना ही रहा हूं और बस बना ही रहा हूं। तो भाई सैम से हम बहुत सारी बातें अभी और भी करने वाले हैं, कहीं जाएगा नहीं। फिलहाल हो चला है दो गाने बैक टू बैक का और इन दो गानों के बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए तो अब जो गाना हम प्ले करने वाले हैं वो सैम की पसंद का गाना प्ले करने वाले हैं। तो सैम से पूछते हैं कि कौन सा गाना उनको पसंद है। हाँ, कौन सा गाना पसंद है आपको? आप चला दीजिए सनम तेरी कसम से, तेरा चेहरा। ओके तेरा चेहरा, क्या बात है। चलिए तो चलते हैं सैम की पसंद के गाने की और फिर एक ये वाला ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में तेरा चेहरा, ओनली ऑन एफएम लाइव 90.8 योर एफएम योर वॉइस। आज अलीगढ़ से कौन है आज हमारे साथ है सैम, और जो कि जिन्होंने बताया कि वो आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। इसी के साथ उनके फादर जो हैं आर्मी में रहे हैं और वो इधर उधर, मतलब उनकी लाइफ एक जगह नहीं रुकी है, वो भागते रहे हैं इधर से उधर, लाइफ इधर से उधर रही है। तो चलिए जानते हैं सैम से कि और आगे कैसे शुरुआत हुई। तो सैम मेरे को आप ये बताइए कि किस तरह से और आगे अलीगढ़ से कैसे जुड़ना हुआ आपका, और आर्ट फील्ड में मोस्टली किस तरह से शुरुआत हुई? हाँ यस यस, देखिए मैं तो अलीगढ़ में ही पैदा हुआ हूँ, मेरा थोड़ा सा बचपन तो अलीगढ़ में बीता ही है और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं अलीगढ़ से। चाहे हम कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, अलीगढ़ तो हमेशा दिल में ही रहता है।
और जैसे जब मेरी स्कूलिंग खत्म हुई तो जब मेरा यहाँ आना हुआ, मैंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की, अब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने मुझे खड़े होने का मौका दिया और आगे बढ़ाया। और रही कला की बात, तो कला मैंने जब अपनी 11th 12th की तो मैं बस पैशनेट था, बनाते रहता था। मुझे ये नहीं पता था कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, चीज होती है कि मतलब करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। तो जब मैं अलीगढ़ आया मैंने देखा यहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी हैं और डेट वगैरह सब निकल चुकी हैं, और इस फील्ड में काफी सपोर्टिव नहीं था मुझे। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं है सपोर्टिव, लेकिन मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना ही है। तो वहां पर मुझे आसमी मैम मिली, फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी उत्सुकता देखी और मुझे सिखाया और डिपार्टमेंट में बुलाया और मुझे एक तरीके से ट्रेनिंग दी। बिल्कुल। तो मतलब अलीगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है जिसका मैं अभी तक शुक्रगुजार हूँ। तो भाई सैम से ये थी हमारी बातचीत, और भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सैम से, लेकिन अभी हो जाते हैं दो गाने प्यारे से। और उसके बाद भाई अलीगढ़ शहर में हो रही है बारिश की शुरुआत, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि बारिश हो रही है अलीगढ़ शहर में, थोड़ी थोड़ी छमछम करके हो रही है, लेकिन हम इस बारिश का मजा भी लेते हैं यार, मजा आ गया, दिन बन जाता है यार। तो खैर चलिए अब चलते हैं और सैम से अब हम जानने वाले हैं क्या, अरे यार वही कि कैसे जो है किस तरह की वो पेंटिंग्स बनाते हैं और उन पेंटिंग से क्या मैसेज जाता है। तो हम चलिए तो सैम की तरफ चलते हैं। सैम हमें बताइए कि किस तरह का जो है मैसेज जाता है आपकी पेंटिंग से। मेरी जो मोस्टली पेंटिंग्स हैं मैं वुमेन्स के ऊपर ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो बचपन है हमेशा लड़कियों के साथ ही बीता है। तो मेरी एक पेंटिंग है वंडर्स ऑफ वुमेन आई, जिसमें मैंने एक औरत की खुशी, उसके इमोशन और उसका अकेलापन दिखाया है। और एक और है एग्जॉटिक गर्ल, और उसमें एक अबाया गर्ल बनाई है, वो मैंने ऑयल पेंटिंग से बनाई है, जिसको मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लग गए थे। जब भी मुझे वक्त लगता था मैं धीरे धीरे से बनाता रहता था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क भी था कि ऑयल पेंटिंग में बनाऊं, और वो मैंने बस फर्स्ट टाइम बनाई और फर्स्ट टाइम इतना एफर्ट्स देके बनाई कि वो बनी गई और वो इतनी प्रचलित हुई कि लोगों ने काफी सराहाया और पसंद किया। और इसके साथ एक और है फ्रीडम मैंने बनाई, जिसमें एक लड़की है वो जस्ट अपना जैसे छाता हटाती है तो ऊपर से रोशनी आती है, और जो लड़की अपना छाता नहीं हटाती है तो उनके अंदर बारिश रहती है। तो ये एक तरीके से सोसाइटी है जो रेन है, और एक लाइट है जो फ्रीडम है। तो वुमेन्स के इमोशंस, उनकी खुशियां मेन अहम रोल निभाया, उन सब चीजों को मैंने बस अपनी पेंटिंग और कैनवास पे उतारने की कोशिश की है। तो आप भी देखिए। तो मतलब एक अलग तरीके का, मतलब हमारे मेरे अंदर इस टाइम में आपकी बातें सुन रहा हूँ और मेरे अंदर एक चीज आ चुकी है कि मैं उस पेंटिंग की इमेजिनेशन कर रहा हूँ, विजुलाइजेशन मेरे माइंड में चल रहा है। तो हमारे लिसनर्स के दिमाग में भी चल रहा होगा। तो आपको मतलब और कितना टाइम, मतलब एक पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम ले लेते हैं आप? कुछ पेंटिंग है जब मैं लगातार बनाता हूँ रात और दिन एक करके, तो वो 1 हफ्ते 5 दिन में तो बनी जाती है, वरना फिर जब भी मुझे वक्त मिलता है कॉलेज से आधे घंटे का जो भी है, तो मतलब 4 से 5 महीने मोस्टली आप मान के चलिए। चलिए तो भाई सैम थे और सैम से हमने जाना कि किस तरह की वो पेंटिंग्स बनाते हैं, किस तरह के मैसेजेस देते हैं। लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, सैम से और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मुझे मालूम है 10:40 का संकेत दे दिया है हमारे स्टूडियो की खड़ी की सुइयों ने। जी कह रही है मेरे को कि भाई वक्त बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है, तो चलिए सैम के पास चलते हैं, सैम से बात करते हैं और सैम से जानते हैं और भी बहुत सारी बातें। तो सैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब और आगे का क्या प्लान है, किस तरह से करेंगे आप और आगे, और जो है शहर के जो बहुत सारे युवा हैं जो आर्टिस्ट लाइन में जाते हैं, जो आर्टिस्ट लाइन एक बहुत ज्यादा टिपिकल लाइन है और जिसमें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमारे शहर के युवाओं के? जी जी जी, देखिए हमारे अलीगढ़ में बहुत टैलेंट भरा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर देखेंगे अपने एमयू में चले जाए, कहीं भी चले जाए, अलीगढ़ के बस फाइन आर्ट्स के लोगों को देख लीजिए, उनका जो टैलेंट है उभर कर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इतने उनके जो वर्क हैं आप देखिए सर्च करके, मतलब बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं वो। बिल्कुल, तो उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग हैं वो किस तरह से जुड़ सकते हैं, मतलब आपको कहाँ देखा जा सकता है, आपका वर्क कहाँ देखा जा सकता है? हाँ, मेरा फेसबुक पेज है सैम खान आर्ट से, आप मिला करके लिखेंगे तो आप वहाँ पे मेरी सारी पेंटिंग्स देख सकते हैं। मैं अपनी स्टेप बाय सारी पेंटिंग्स बनाता हूँ, जैसे मैंने 30% शुरू किया, 80% फिनिश हुआ, फिर 100% जैसे फिनिश हुआ, हर तरह के प्रोसेस में डालता हूँ। और आप यूट्यूब पे भी सैम खान आर्ट मिला करके लिखें, और आप मेरी वीडियोस में एग्जीबिशंस लगाता हूँ उसकी वीडियोस, तो सारी चीजें आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सैम से मिलने के लिए आप सैम खान आर्ट टाइप कीजिए
फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आगे क्या होने वाला है, सैम क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सैम, एफएम अलाइव के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे शहर के लोगों के लिए? देखिए, ये आर्ट फील्ड है, एक आर्टिस्ट होता है उससे काफी सालों तक अपना काम करना होता है, तभी वो अपना नाम बना पाता है। बिल्कुल। तो बस अपने फील्ड में लगे रहिए। सैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एफएम लाइव के लिए वक्त दिया। जी, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत ऋषभ जी, आपने हमें यहाँ बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और आपसे मैं मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक पोएट हैं, एक आप किससे कहानियां सुनाते हैं, और आपके तो हम फॉलो करते हैं, ब्लॉग स्पॉट पर फॉलो करते हैं, और आप एक गिटारिस्ट हैं, सिंगर हैं, और न जाने कितनी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो भाई ये तो थे सैम जी जो हमारे साथ, हमने बात की थी आर्टिस्ट के ऊपर कि आर्टिस्ट की लाइफ कैसी होती है, उनकी लाइफ मोस्टली कैसी रही, और एक चीज आज सैम हमारे पीछे छोड़ कर जाएंगे कि वो है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी कितना भी कुछ हो जाए हार मत मानो, काम करते रहो। फिलहाल आ रहा है ये प्यारा सा गाना, क्या है लड़कियां, मतलब कहाँ, मतलब क्या है चीज है, मेरे को उसके बारे में बड़ी उत्सुकता है जानने की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो आपने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सवाल पूछ लिया यार। बिल्कुल। है एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है मेरा, जहाँ पर मैं और मेरी तन्हाई रहती है, जहाँ पे ये सब चीजें निकलती हैं, और बस जो भी है वो उसका थैंक्स, उसने मुझे आर्टिस्ट बनाया। जी काम खत्म हो गया मेरा, मेरा रह गया बस। तो चर्चा थी हमारी काफी लंबी, वो हमने खत्म कर ली, और ऋषभ है हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा इनका स्टूडियो देख के, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज, बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। और बिग एफएम में था, और मेरे को बेस्ट राइटर मिला था 2016 नीलेश मिश्रा। मेरे से जुड़ने के लिए ऋषभ अग्रवाल प्रिंस अलीगढ़ ये मेरा नाम है, जैसे आप फेसबुक पे सर्च कीजिए मैं मिल जाऊँ आपको। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते हैं और अदर साइट इस्तेमाल करते हैं तो मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल प्रिंस अलीगढ़ गूगल पे सर्च कीजिए, मेरे सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे आपको। चलिए तो कल मिलते हैं 9 बजे, तो तब तक सुनते रहिए आरजेरा पे ऋषभ अग्रवाल प्रिंस अलीगढ़ के साथ एफएम लाइव 90.8 योर एफएम योर वॉइस। राम राम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय 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 बाय। और चाय की चुस्की हो रही है, तो अलीगढ़ में आए और चाय ना पिए तो अलीगढ़ में आना।